हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण चुनाव आयोग को इतिहास में पहली बार इस प्रकार का फैसला लेना पड़ गया। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहस हो गई। बहस इतनी आगे बढ़ गई जिसके कारण अगजनी और तोड़फोड़ की नौबत आ गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की उन 9 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को रात 10 बजे प्रचार समाप्त हो गया, जहां अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए तय सीमा से 20 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार का कदम चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग ने बताया कि दक्षिण बंगाल की 9 संसदीय सीटों पर रविवार को चुनाव होंगे, जहां 111 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। रविवार को जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें कोलकाता उत्तर एवं कोलकाता दक्षिण, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जादवपुर, डायमंड हार्बर, जयनगर और मथुरापुर आरक्षित सीट शामिल है। भारतीय चुनाव के इतिहास में इस तरह की यह पहली कार्रवाई है जिसमें चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 9 सीट पर प्रचार को शुक्रवार शाम 6 बजे समाप्त करने की बजाय बृहस्पतिवार को रात 10 बजे खत्म करने का बुधवार को आदेश दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 9 सीटों के लगभग सभी मतदान केंद्रों पर आयोग ने केंद्रीय बलों की कुल 710 कंपनियों की तैनाती की है। चुनाव आयोग की इस ऐतिहासिक कार्रवाई पर विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जताई। कांग्रेस समेत 3 विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग के इस आदेश को लेकर मुलाकात की और इसे समान अवसरों के सिद्धांत का उल्लंघन बताया और इसके साथ ही चुनाव निकाय के प्रचार के लिए कम से कम आधा दिन देने की अपील की है। चुनाव प्रचार के साथ साथ टीएमसी ने देश में किसी किसी जगहों पर चुनाव के दौरान ईवीएम में हुई गड़बड़ी पर भी ध्यान दे रही है, जिसे देखकर पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं, लोकसभा प्रत्याशी और पार्टी पदाधिकारियों को चेताया है और उनसे कहा है कि वह ईवीएम की सुरक्षा पर ध्यान दें। टीएमसी ने एक गोपनीय संदेश में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग ईवीएम बदलने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पार्टी ने अपने नेताओं को सीसीटीवी सर्विलांस और भौतिक रूप से ईवीएम की सुरक्षा करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में चुनाव प्रचार के समय में 20 घंटे की कटौती करना थोड़ा अजीब लगता है। चुनाव आयोग का कहना है कि उन्होंने यह फैसला पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली के दौरान हुई घटना को देखते हुए लिया है, लेकिन रैली के दौरान दोनों कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने वाली घटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ देखा जा रहा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके यह बात साफ हो जाती है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस घटना को देखते हुए बीजेपी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जो कि उचित नहीं है। हालांकि नेशनल दस्तक उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, वैसे घटना की पुष्टि तो जांच के बाद ही हो पाएगी। चुनाव आयोग द्वारा प्रचार के समय में कटौती करने से दूसरी पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम अन्य पार्टियों के लिए बहुत सख्त साबित हो रहा है। उनके इस कदम में सभी पार्टियों को समान अवसरों वाले सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। देखा जाए तो जब निर्वाचन आयोग को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए थे तब वह इनसे परहेज करता रहा। आयोग द्वारा उस पार्टी पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया जिनके नेताओं ने इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग का इस प्रकार का रवैया बिल्कुल भी उचित नहीं है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।